वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हम ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर जरका से बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें पूछ रहे थे, हमारे पास गेम थी तो हमारे पास एक और भी नाम है। पहले बता दें सब लोगों को जिन्होंने अगर मिस कर दिया, बिकॉज जो गेम है वो ये है जी कि हम डॉक्टर जरका को कुछ पर्सनालिटीज के नाम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप वो शख्सियत होती तो आपको अपनी किस बात पे फख्र होता। तो अब अगला नाम है हमारे पास चौधरी शुजात हुसैन का। चौधरी शुजात हुसैन, आई थिंक स्पीच थेरेपी की जरूरत है उनको। अच्छा जी, बट ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। ओह यस, हैंड्स डाउन, ये सब लोग एग्री करते हैं। अगर परवेज मुशर्रफ होती तो किस बात पर फख्र होता? परवेज मुशर्रफ होती तो जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था सियासत और उसके बाद मैं फुल स्टॉप कर दी। अच्छा, मुझे इस बात पे फख्र होता कि मैंने जो कर लिया वो कर लिया। अब छोड़ दो इसको, दोबारा ना। कायम अली शाह होती तो पछता रही होती सारी जिंदगी कि ये मैं क्या कर। कोई किसी बात पे फखर ना होता यानी कि ना। मौलाना फजल रहमान, मौलाना डीजल पे फखर होता। एडे पैसे वो तो कोई भी ब्रांड पहनती हैं आप। नहीं, वो ऊपर से कुछ पीछे से कुछ वाली कहानी। अच्छा, महमूद कसूरी होती तो क्या होता? जहाँ वो है वहाँ होती और क्या। अच्छा, अगर शाह महमूद कुरैशी होते तो किस बात पे फख्र होता? तकरीर पे। अच्छा, तकरीर उनकी बड़ी जबरदस्त है। मतलब अगर वो पॉलिटिशियन ना होते तो वो पाए के एक्टर होते। पाए के एक्टर, क्या बात है। ठीक है, ये मजे का था, पाए के एक्टर। अच्छा, नहीं नहीं, ही इज वेरी गुड। एंड टू बी अ पॉलिटिशियन यू हैव टू हैव ऑल दोस। अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैनेज नहीं कर सकते तो यूर जीरो। देखिए ना, अपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब बगल खोलते थे और यूं खड़े हो जाते थे, क्या करिश्मा था। आपको शहबाज शरीफ साहब याद नहीं है? देखे ना, वो मरियम की तरह वो ऐसी बातें कर देते हैं कि सारी जिंदगी पछताते हैं। फखर नहीं, वो जो छह महीने की उन्होंने बात कह दी बिजली के बारे में, हमारे पास वो सारी फुटेज मौजूद होती है जो तो सारे टीवी चला रहे हैं। तो मतलब इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, फिर आपने क्या फखर करना है? वो इतनी वो पुरजोर तकरीर होते हैं, माइक भी गिर जाते हैं। सही बात है, कई दफा आगे आते हैं स्टेज पे। नहीं, वैसे बड़ा अच्छा काम करते हैं, काम तो बहुत जबरदस्त। अच्छा, नून लीग की कोई एक बात जो आप समझती हैं एज ए हुकूमत में रहकर उन्होंने जो सबसे बेस्ट काम किया वो क्या समझते हैं आप? क्या देखिए, नून लीग का मसला ये है कि नून लीग को प्रायोरिटीज नहीं है उनकी। क्या जाता है इनका अगर ये पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा देते? बाकी सब पैसे कमाऊ, इनू दे, ए मिनिस्ट्री उनू उसको नवाज दे। लेकिन एजुकेशन, पाकिस्तान की अगर बच्चों को ये पढ़ा देते तो पाकिस्तान का क्या वोट ना मिल। अग, क्यों नहीं मिल जाता? देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम समझते हैं कि हराम करने से दुनिया में ऊंचे जाते हैं। आप हलाल करके तो देखें, सही काम करके तो देखें। सही काम में जितनी बरकत, जितना हलाल, और क्या। और क्या, लोग हमारे उल्टे हो गए ना, दिन को सोते हैं रात को जागते हैं, हराम करते हैं और कहते हैं कि हम हलाल कर रहे हैं। गलत काम करके कहते हैं कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। गलत काम करके बस अब गाना सुन लेते हैं। हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है और हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हम गाना सुनेंगे अहमद से और अहमद के गाने पर इंतजाम करेंगे। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल जागो लाहौर में। आपसे हम फीडबैक का इंतजार भी कर रहता है हमेशा कि आप हमें फीडबैक। हाँ, और फेसबुक ट्विटर पर हमारा पेज है जहाँ आप जाकर से लाइक कर सकते हैं। कोई कॉमेंट है, कोई ऐसी बात जो जागो लाहौर में आप ऐड कराना चाहते हैं या हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। अभी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और हम अहमद से गाना सुनेंगे। बिल्कुल जी, हमें आप जो गाना ट्रैक सुनाएंगे वो क्या है जी, कौन सा है? दिलदारियां। चलें जी। अच्छा, इसका वीडियो बन चुका है जी? जी, ऑन एयर मार्केट। जबरदस्त, चलें जी, हम सुनना चाहेंगे आपसे लाइव। आप प्लीज वहां जाइए। इट्स अ पार्टी टाइम इन द पिन जी, लेट्स डू दिलदारियां। मेरी रानी लाखों में है बेबी, अरे तेरी जवानी सुन ले कहानी, मिलके तू मेरे साथ जी ले जिंदगानी, छोड़ के ना जाना मुझे कभी मेरी रानी। तेरे प्यार च राजा होया हीरिए गुण जावी ना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरिए गुण जावी ना। Let's do दिलदारिया। तेरे प्यार च राजा होया हीरिए गुण जावी ना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरिए गुण जावी ना। जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना, जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना। दिलदारिया, दिलदारिया, तेरे नाल लाके हारिया, दिलदारिया, दिलदारिया, तेरे नाल लाके हारिया, दिलदारिया।
तस्वीर में